हेलो, फोन किया है तो बोलो। मेरी आवाज सुन रहे हो ना, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो, कोई कॉल करता है मगर हमारी आवाज सुनकर बोलता नहीं, किसी और की आवाज सुनने को मर रहा होगा। तुम पता करवाओ, रात को 2-3 कॉल्स आई हैं, वो कौन था? फिर इंतजाम करेंगे उस गुंगे का। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी, तुम जाओ यहां से। तुम्हारे लिए आखिरी फैसला जाफर ही आकर करेगा, सुना तुमने? उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे धमकाकर मुझसे निकाह किया था, मगर अब वो इस निकाह को जबरदस्ती नहीं तोड़ सकेंगे। हाँ जायान, यार मेरे अब्बा की बहुत तबीयत खराब हो गई है, तेरी इमरजेंसी में बड़ी वाकफियत है, अगर तू थोड़ी देर के लिए आ जाता यार बड़ी हेल्प हो जाती। हाँ तू बस अंकल को लेकर हॉस्पिटल पहुंच, मैं बस पहुंच रहा हूँ। हाँ पहुंच पहुंच पहुंच। जायान जायान कहाँ गया है इतनी जल्दी? पता नहीं, मैं तो आपके लिए अभी चाय बना रही थी। क्या है, ये वक्त है बाहर जाने का? अच्छी तरह से जानता है कि कितनी परेशानी है और क्या हाल किया था उस जाफर ने, इसका भूल गया है सब कुछ। मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कि मैं उसे कैसे समझाऊं। मैं तो थक गई हूँ उसे समझा समझा के, वास्ते दे दे के। तो ऐसा लगता है जैसे अब सायान को किसी भी बात का कोई असर ही नहीं होता। सदफ से बात की है तुमने? की थी। फिर क्या कह रही है? आपके ख्याल में क्या जवाब देना चाहिए उसे? जाहिर है, एक बिनाई रखने वाला शख्स जो कुछ देखेगा इनकार कर दिया। हर वक्त उसके सामने हया का ही जिक्र करता रहता है और वो बेचारी सुनती रहती है। आप बताए ना, ये दीवानगी हया के लिए देख के भला वो क्यों शादी के लिए हाँ करेगी? बहरहाल तुम्हें सदफ से बात करना होगी, क्योंकि सिर्फ वही है जो जायान का दिल पलट सकती, और अगर ऐसा ना हुआ खुदा ना खास्ता अपना बेटा ना खो देना। अल्लाह ना करे। कहाँ रख दी परवीन ने मेरी चीजें या तरीक? नहीं तो कह रही थी मुख्य हया, क्या हुआ? अरे होश में हो, क्या हो गया? जरूर परवीन ने तुम्हें इस काम पे लगाया। हया हया हया, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हया सांस लो, हया 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 होश में आओ। हया प्लीज, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। डॉक्टर्स भी अजीब होते हैं, मरीज के साथ आए लोगों को पास भी नहीं खड़ा होने देते, जितनी भी अप्रोच कर लो नहीं मानते। ये अबू कैसे हैं? बेहतर हैं। डॉक्टर एडमिट करने का कह रहे हैं, वो भी जनरल वार्ड में। जनरल वार्ड में क्यों, सीधे रूम में शिफ्ट कराते? तू रुक, मैं बात करता हूँ। परेशान नहीं, रुक मैं बात करता हूँ।
हेलो हेलो डॉक्टर, मैं रेशम बात कर रही हूँ जाफर इलाही के घर से. वो प्लीज आप इस वक्त आ सकती हैं, बहुत अर्जेंट है. हमारे पास एक पेशेंट है और वो बेहोश है. प्लीज प्लीज आ जाएं. आई एम सॉरी मिस रेशम, मैं एक इमरजेंसी केस में मसरूफ हूँ. आप पेशेंट को लेके फौरन हॉस्पिटल आ जाएं. हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊँ? हॉस्पिटल बहुत खूब, सारे रंग बहुत अच्छे. मुझे तो यूं लगता है कि जैसे रंग बने ही तुम्हारे लिए हैं. शुक्र है तुम्हें अपना ख्याल भी आया. मैंने भी अब फैसला कर दिया है अम्मा जान, मैं अब खुद को बदलूंगी. मैं भी अब वैसी बन जाऊंगी जैसे सबकी बेगमात होती है. जाफर इंशाल्लाह मिनिस्टर बनने वाला है ना, मैं भी उसके साथ हर डिनर पर और हर जगह जाया करूंगी. क्या हुआ, तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? और क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? नहीं, वो असल में हया की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा वरना. क्यों, क्या हो गया उसे? मैं चंद घंटों के लिए घर से बाहर रही और वो मरने वाली हो गई. नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है. असल में उसे मिट्टी से एलर्जी है. परवीन ये बात जानती है लेकिन जानबूझ के बार बार उसने डस्टिंग के कामों में लगा दिया उसे. अब शदीद एलर्जी हो गई है, सांस भी नहीं ले पा रही है. सांस नहीं आ रही, अच्छा है खुद ही मर जाए, हम पर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा. वो क्या कहते हैं, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे. तुम वली को साथ लो और अपनी निगरानी में उसे अस्पताल लेकर जाओ. इस मेहरबानी की वजह पूछ सकती हूं मैं? ये हिकमत और इंसानी हुकूक की पासदारी है बस. किस लिए? मैं किसी को मौत के मुंह में जाता नहीं देख सकती. और शहीद का क्या, वो भी तो किसी के नजरों के सामने मरा था, उसका जवाब? उसका हिसाब अल्लाह करेगा. और वैसे भी मैं जाफर की गैर मौजूदगी में और कुछ नहीं कर सकती थी. देखो मैमुना, मुझे परेशान मत करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है. मैं खुद ही जाफर से बात करती हूँ. बेगम साहब, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था, वो भी अकेली ड्राइव करके. अगर आपने आना ही था तो मेरे साथ आ जाती. ये वक्त इन बातों का नहीं, इसकी हालत देखिए. प्लीज आप लोग बाहर जाइए, पेशेंट की ईसीजी करनी है. डॉक्टर साहब, कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर, इनकी पल्पिटेशंस बहुत स्लो आ रही है. देखिए, लंग्स फंक्शन काफी इफेक्ट हुआ है. लगता है ये एलर्जी इन्हें काफी टाइम से थी, खासा सीरियस अटैक है. प्लीज आप लोग बाहर जाइए. आइए.
तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या मतलब? सब ये कि बॉडीगार्ड है यार उसके साथ, मतलब जब कुछ सब कुछ ठीक हो रहा है तो क्यों मुसीबत अपने सर ले रहे हो? हया मौत के मुंह में पड़ी हुई है, तो मुझे मुसीबत से डरा रहे हो? देखा नहीं उन्होंने क्या हशर किया मेरे विवाह के साथ? वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हया की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे आईसीयू में शिफ्ट करना ही होगा। मैं फूफो जान को बता दूं। बड़े सख्त गुस्से में है जब से यहाँ से गई है, अपने कमरे की कुंडी तक लगाई हुई अंदर से, और मुझे पता है रो रही होंगी अंदर बैठी हुई। मुझे कमरे से निकालते हुए कह रही थी कि अगर वो लड़की जिंदा इस घर में आई तो सब लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करे। हारेशम क्या हाल है? पुजान, लड़की की हालत तो बहुत खराब, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसके फेफड़े भी मुतासर हो गए। क्या फेफड़े मुतासर हैं? जी, ऑक्सीजन देने के बावजूद भी वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही है। पुजान, मुझे तो लगता है कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। तो तुम वली से कहो ना कि अगर यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है तो उसे किसी बड़े अस्पताल ले जाएं, कम से कम इलाज तो बेहतर तरीके से हो ना। ठीक है, मैं वली से बात करती हूँ, लेकिन यहाँ का आईसीयू भी बुरा नहीं है, बस आप दुआ करें। जो मेरे रब की मर्जी, अल्लाह सब खैर करेगा। मैं कह रही हूँ ना आपसे, ये रेशम बीबी है ना, आजकल बड़ी हमदर्दी दिखा रही है, बड़ी तरफदारी करती रहती है उसकी। और ये अम्मा जान, कल तक तो उस लड़की का गला अपने हाथों से दबाने को तैयार थी, आज उसी लड़की को किसी बड़े अस्पताल में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने का मशवरा दिया जा रहा है। ये फैसला अम्मा का जरूर है, मगर उनके दिल में ये बात डाली किसी और ने। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि कल तक जिस लड़की के मरने की दुआएं की जा रही थी, आज उसी लड़की की जिंदगी बचाने के लिए दवाएं की जा रही हैं। परवीन, जेल में अगर सजाए मौत का कैदी बीमार पड़ जाए तो जेलर उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजता है, मगर इस हमदर्दी से उसकी सजा में कमी नहीं होती। मुझे तो बस फिक्र इस बात की है कि जिस तरह से अम्मा जान के दिल में उस लड़की के लिए हमदर्दी पैदा हो गई है, कल को अगर बड़े साहब ने भी उसके लिए कुछ अच्छा सोच लिया तो। जाफर के दिल में शहीर के इंतकाम के अलावा और कोई ख्याल आ भी नहीं सकता। तुम ना ये फजूल की बातें करके ना मुझे परेशान मत किया। मैं अम्मा के पास जा रही हूँ, अच्छी सी चाय बना कर ले आ। डॉक्टर साहब, मेडिसिन आ गई है, अब पेशेंट की तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूं। अच्छा, आप मेडिसिन और हया की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप प्लीज नर्स को बुला दें। जी मैम, लाया। हेलो जी, मैं अभी तक स्टेबल नहीं हुई जी, मैं देख रही हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी।
हया, मैं जानता था मुझसे जुदा होकर तुम्हारे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता था कैसे भुला सकता था मुझे? तुमने जो खुद को मुझसे दूर करके अपने दिल पर जुल्म किया वो ये कैसे सह सकता था? देखो देखो मैं आ गया हूं। आया, मैं आ गया हूं। तुम ठीक तो? हया, हया सर इनके साथ फिर कर दिए, क्या करूं? आप इनको संभालें, मैं सीनियर फिजिशियन को भेजता हूँ। डॉक्टर हया ठीक तो हो जाएगी? कब से गया हुआ है घर से, पता नहीं कहाँ चला गया। जी खाला, दिल तो मेरा भी बहुत परेशान हो रहा है। दुआ करें कि जयान के दोस्त के अब्बा खैरियत से हो। वो तो खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, मगर मेरा दिल पता नहीं क्यों बहुत परेशान। खाला अब आप कुछ और सोच के परेशान मत हो, वो हॉस्पिटल ही गए होंगे। और कहाँ जाएंगे और हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? तुम जानती हो सदा मुझे किस बात का धड़का और मैं क्या सोच सोच के परेशान हूँ। आपके सारे धड़के बेमायने हैं, अब जयान चाहकर भी उन रास्तों पर नहीं जा सकते क्योंकि अब ये बात जयान भी जानते हैं। अच्छा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है? मैंने कहा ना आपसे खाला, सयान चाहकर भी उन रास्तों पर नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो मुझे बता कर जाएंगे। सदफ, वो वाकई अब उन रास्तों पे कभी वापस नहीं जाएगा। अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारी सुनने लगा है, वो तुम्हारी मानेगा भी अगर तुम उसे अपना बनाने की कोशिश करो। सदफ, मर्द बहुत जिद्दी और अड़ियल होता है, लेकिन अगर वो किसी औरत को पाने की ठान ले फिर उसका पीछा नहीं छोड़ता। अलबत्ता बेवफाई उसे तोड़ देती है। ऐसे में अगर कोई औरत उसे ढंग से समेट फिर वो हमेशा के लिए उसी का हो जाता है, कहीं नहीं जाता। तो समेट लो ना उसे, तो समेट लो सिर्फ अपने लिए। खाला मैं जयान को कॉल करके चेक करती हूँ कि वो कहाँ है और अब उनके दोस्त के अब्बा की तबीयत कैसी है। अल्लाह तो इस बात को लेकर सीरियस होती जा रही है, कैसे बताऊं उन्हें कि जयान के दिल में अभी भी सिर्फ हया है।
तुमने यहां आने की जो गलती की है ना, अगर मैं उसकी सजा दूं तो सिर्फ मौत बनती है, मौत। क्या किया तुमने उन्हें हया के साथ? अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत ले, वरना तुम्हारी कुत्ती से जुबान खींच कर बाहर फेंक दूंगा। तुमने यहां आने की जो गलती की है ना, अगर मैं उसकी सजा दूं तो सिर्फ मौत बनती है, मौत। क्या किया तुमने उन्हें हया के साथ? अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत ले, वरना तुम्हारी कुत्ती से जुबान खींच कर बाहर फेंक दूंगा। वो अब बड़े मालिक की इज्जत है, इज्जत। वो मेरी मोहब्बत है। मैंने कहा ना कि अब वो बड़े मालिक की इज्जत है। पर हाँ, इस हॉस्पिटल के इर्द गिर्द मुझे दिखाई देते ना, वरना वली गोली चलाने में देर नहीं करता, समझ लेना कि वली की नजरों में हो तुम। चलो यहां से। तो ये है वो जायान, हया का मंगेतर। लेकिन ये यहां क्या कर रहा है? अभी तो ये डॉक्टर बन के कमरे में आया हुआ था। मुझे पप्पू को इत्तला करनी चाहिए। अजीज, मैं अब रातों में घर पे अकेले नहीं रह सकती, दिल घबराता है मेरा। और सच्ची बात है, रात अकेले गुजारने से खौफ आता है मुझे। कल आ जाएंगे ना? आ जाऊंगा यार, आ जाऊंगा। वैसे वापस आके करूंगा क्या मैं? लोगों के ताने सुनूं? आ जाएं वापस, आ जाएं वापस। बंद करो फोन यार। क्या हो गया अजीज को? अब पता करना होगा कि लाइटें ऑफ की हैं, लॉक की है या नहीं किया। जी अजीज। जी सफिया आप ही, मैं जयान बात कर रहा हूँ। जयान, तुमने फोन क्यों किया यहाँ पे? तुम्हारा यहाँ फोन करना ठीक नहीं है। सफिया आप ही प्लीज फोन मत काटिएगा, मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हया इस वक्त बहुत बीमार है और अस्पताल में एडमिट है। क्या हया हॉस्पिटल में है? लेकिन तुम्हें किसने बताया ये? आप ये सब छोड़ें और जल्दी से नेशनल हॉस्पिटल पहुंचें। लेकिन जयान, इस वक्त तो रात हो रही है और अजीज भी घर पे नहीं है, हैदराबाद गए हुए। मैं कैसे आऊंगी? आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आता हूँ आपको पिक करने के लिए, बस आप जल्दी से तैयार हो जाएं। या अल्लाह, मेरी बहन पे रहम कर। काफी अरसे बाद वही पुरानी वाली मैमूना लग रही हो तुम। और तुम्हारे बाल भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं तुम पर, फिर चमकता हुआ शफाफ चेहरा, उस पे ये रंग, भाई वाह, बहुत प्यारी लग रही हो। पहले वो जिद करता था, भाभी खुद पे तवज्जा दें, अपना ख्याल रखा करें, फैशन के मुताबिक कपड़े पहना करें। आखिर को आप होने वाली मिनिस्टर की बीवी हैं। वो चला गया तो उसकी क्या बात थी? हर वक्त दूसरों के लिए सोचता रहता था, रोतों को हंसाना, मरते हुओं को बचाना, ये अदा तो कोई उसी से सीखता।
मरते हुए को बचाना, ये सिर्फ तो अम्मा जान उसने आपसे ही ली होगी। अब देखिए ना, आप उसकी जान लेने वाली की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। बड़ा अस्पताल, बड़ा काबिल डॉक्टर। मौत और जिंदगी का मालिक तो सिर्फ अल्लाह है। उसी मालिक ने अम्मा जान इंसानी जान के बहुत से हुकूक रखे हैं। नाखून के बदले नाखून, दांत के बदले दांत और जान के बदले जान, ये कवानीन भी उसी ने हमें दिए हैं, है ना? क्या शरीर का तड़पना, लाचार होकर बेबस होकर मरना, क्या हम उसे भुला सकते हैं? हाँ रेशम, कहो। हया की तबीयत तो स्टेबल नहीं हो पा रही है। डॉक्टर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके कहने पे मैंने हॉस्पिटल तो बदल दिया है। अब देखें शायद बेहतर हो जाए। अच्छा अच्छा पप्पो, वो मैं पूछना चाह रही थी, वो उस लड़की का नाम क्या है जिसकी वजह से हया ने शहीर को? क्यों, क्या हुआ? वो असल में एक जयान नाम का लड़का आया था, वली से उलझ रहा था, धमकियां दे रहा था वली को कि अगर हया का नाम भी लिया तो जान से मार दूं। अच्छा, वो वहां भी पहुंच गया? वो पप्पू मुझे डॉक्टर्स बुला रहे हैं, मैं चलती हूँ। ठीक है। ये बात जाफर भाई तक ना पहुंचे, ये हो ही नहीं सकता। वो वहां तक ऐसे तो नहीं पहुंचा होगा, राब्ते तो हुए होंगे दोनों के दरमियान, और क्या पता वो अस्पताल से ही उसे ले जाए। हम जाफर को क्या जवाब देंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जाफर को फोन करो, मैं बताऊंगी उसे कि यहां क्या हो रहा है। मसरूफ जा रहा है, थोड़ा ठहर के फिर फोन करना। हया को एक नजर देख लेती तो बिल्कुल सुकून आ जाता। आप इसकी फिक्र मत करें, मैं ये पता लगवा लूंगा कि उसको किस हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया। एक बात कहूं आपसे, क्या वो इतनी भारी थी आप दोनों पर कि उसे उन जालिमों के हाथ में भेज दिया? तुम्हें एक बात का पता है ज़ियान, आज जो कुछ भी हया के साथ हो रहा है ना, उसके बराबर के जिम्मेदार हो तुम। मैं? जी, क्योंकि पहले तुम्हारी मोहब्बत में वो अजीज की बातें सुनती रही, उसके बाद तुम्हारे गुस्से की वजह से शहीर वाला मामला हो गया, और उस पर भी मेरी बहन पे जुर्म ढाए गए, फिर तुम्हें बचाने के लिए उसने जाफर से शादी कर ली, और जब वापस आई तो तुम्हारे माँ बाप ने उसे जमाने से पहले बदकार ठहरा दिया। अच्छा बस भी कर दे। बस तुम कर दो जयान, खुदा का वास्ता उसकी जान छोड़ दो, उसे और मुसीबतों में मत डालो। अच्छा ठीक है, अभी वो बीमार है, आपने उससे मिलना है, उसकी खबर लेनी है कि नहीं लेनी? उसे देखने के लिए तो तड़प रही हूँ मैं। हाँ तो बस मैं पहले पता लगा लूंगी वो कहाँ है, फिर ले चलूंगा। रहने दो तुम, मैं खुद कर लूंगी ये सब। लेकर तो आपको मैं ही जाऊंगा उसके पास। अभी चले, मैं घर छोड़ देता हूँ। आए मुझे ये बताइए कि उसे हॉस्पिटल भेजा क्यों आप लोगों ने? डॉक्टर घर नहीं आ सकता था? बेटे घर पर आया था डॉक्टर, मगर उसकी तबीयत इतनी नासाज थी कि डॉक्टर के कहने पर ही अस्पताल शिफ्ट करवाया गया है। और ये वली का मरा हुआ है,
आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है वो, उसे दिखाई नहीं दिया कि वो लड़का वहां कैसे पहुंचा। क्यों हो रही है इतनी कोताही? वो जो रॉन्ग कॉल्स आ रही थी, क्या पता दोनों में रابطہ हो गया हो और तबीयत खराबी घर से निकलने का बहाना हो। आता हूं मैं, आता हूं और इस मामले को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। मेरा बच्चा, दो चार दिन के लिए सुकून के लिए गया था, उसे कहीं सुकून मैसर नहीं। पहली गलती, जाफर ने उसे अपने साथ निकाह में बांध कर की, और दूसरी आपने उसे घर में रखकर। अरे अम्मा जान, परिंदों के पर काट देने से वो उड़ना तो नहीं भूल जाते? जरा से पर दोबारा बढ़ जाए तो वो फिर से उड़ने की कोशिश करते हैं। उसे ना शहीर की मोहब्बत की परवाह थी और ना जाफर की इज्जत की है। खुदा ना करे कभी ऐसा हो। अल्लाह मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज व अमान में रखे। सदफ, वो मुझे लगता है कि तुम्हारी खाला का ब्लड प्रेशर फिर हाई हो गया है, जरा चेक कर लो आके। जी मैं आती हूँ। पता नहीं क्यों खाला जान इतनी टेंशन लेती है। मैंने इतनी बार उन्हें कहा है कि सयान हो सकता आज रात वहीं रुक जाए, क्योंकि खालिक के अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, मगर उन्हें यकीन ही नहीं आता। सयान की बात का यकीन सिर्फ तुम्हें आता है बेटा, मुझे भी नहीं आ रहा। मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है। खालिद का भाई मुझे मिला था, उसने मुझे बताया कि उसके वालिद की तबीयत अब बेहतर है और आज रात को वो वहां रुकेगा। अच्छा, फिर जयान ने मुझसे गलत क्यों कहा और वो वाकई वहां क्या कर रहा है? सयान, तुम टाइम जाया कर रहे हो अपना, इनको अलाव नहीं होता है सारी इंफॉर्मेशन देना। और तुम वली की धमकी भूल गए हो? मुझे किसी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सयान, अब बहुत हो गया यार, चल। गंदी जुबान से उसका नाम मत ले, वरना तुम्हारी कितनी से जुबान खींच कर बाहर फेंक दूंगा। और वो अब बड़े मालिक की इज्जत है, इज्जत। वो मेरी मोहब्बत है। अपने पीछे तो मैं कदमों के निशान छोड़ आई, यकीनन वो उन पर चलता हुआ यहाँ तक पहुंच ही जाएगा और वहां से जाफर भाई वापसी की तैयारी कर रहे हैं। यार मुझे तो बहुत हैरानगी हो रही है, तुमने ये सारी इंफॉर्मेशन निकलवा भी ली? जी हाँ, ना सिर्फ ये कि वो किस अस्पताल में है बल्कि ये भी कि वो किस कमरे में है। कहीं ऐसा तो नहीं है तुझे फिर से फंसाने की साजिश है? मुझे लगता है किस्मत की मुझ पर मेहरबानी है मुझे उससे मिलाने की। ओ भाई, तूने क्यों इतनी खुशफहमियां पाल रखी हैं? वो जाफर इलाही की बीवी है अब। वो सिर्फ मेरी मोहब्बत है, जब तक मैं उसे हासिल नहीं कर लेता सुकून से नहीं बैठूंगा। तुम्हें अगर मेरा साथ नहीं देना तो मत दो, अगर आइंदा मुझे रोकना नहीं। ठीक है, तुमने जो करना है तुम करो, मैं जा रहा हूं अपने अब्बा के पास। अब्बा के लिए यहां आया था ये।
बेगम साहब मुझे एक बात तो बताएं, जो समझ में नहीं आ रहा कि आपने रेशम बीबी को कुछ क्यों नहीं कहा। तू नहीं समझेगी परवीन, इसे अकलमंदी कहते हैं। मतलब? छोड़ो अब, जाओ तुम, मुझे आराम करना है। ये सेब? रहने दो, जाओ। चलो अच्छा ही हो गया, जो मैंने शोर मचाकर इस मामले पर रिएक्ट नहीं किया, मेरी खामोशी काम आ गई। अच्छा है, सांप भी मर गया और लाठी भी सलामत रही। जी मालिक। मुझे तुम्हारी काबिलियत, बहादुरी और सहानत पे भरोसा नहीं रहा है। अफसोस हो रहा है वली, अफसोस। मालिक, जैसे मैंने उसे देखा पकड़ ली और धमका कर छोड़ दिया, आइंदा वो यहां आने की हिम्मत नहीं करेगा। जब पकड़ लिया था तो छोड़ा क्यों उसे? मैंने सोचा कि हॉस्पिटल है, कहीं कोई हंगामा ना हो जाए। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ वो प्रेस वाले, अखबार वाले खबर तलाश करते रहते हैं, इसलिए। मेरी इज्जत का जनाजा निकलने से कोई बड़ी खबर हो सकती है? जवाब दो। सुनो, निगरानी सख्त करो, मैं आ रहा हूं पाकिस्तान और सीधा हॉस्पिटल आऊंगा। और हाँ मालिक, वो एक डॉक्टर है, थोड़ा तंग कर। जो भी मसला कर रहा है ना, उसे ठिकाने लगाना तुम्हारा काम है। इस लड़के को गोली मैं मारूंगा आके, और जहर का इंतजाम रखना। जो हो कमाल। आप मेरे इंतजार में बैठी थी? जी। क्यों, सो जाती? खाला जान बहुत परेशान हो रही थी आपके लिए, मैंने उन्हें तसल्ली दी कि वो जाकर आराम से सो जाए। उनके हिस्से का इंतजार मैं कर लूंगी आपके लिए। अम्मी भी ना खामखाई मेरी फिक्र करती हैं, हालांकि मैंने हॉस्पिटल से उनको फोन करके बता दिया था। हॉस्पिटल में? हाँ, वो भैया की तबीयत बहुत खाले के अब्बा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल में था। अब कैसी तबीयत है आपके दोस्त के अब्बा की? बस ठीक नहीं है, एडमिट है। अल्लाह पाक सेहत दे। आमीन। अब अच्छा सरफ, मैं सुबह ही सुबह जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल जाऊंगा, तुम मेरी तरफ से प्लीज अम्मी को बता दोगी? और प्लीज उनसे कहना कि मेरी इतनी फिक्र ना किया करें, छोटा बच्चा नहीं हूं मैं जो घर का रास्ता ही भूल जाऊंगा। जी, मैं भी यही कहती हूं उनसे। क्या कहती हो? कि आप घर का रास्ता आप कभी नहीं भूल सकते, हालांकि आप भूल रहे हैं। अब ये कैसी बातें कर रही हो तुम? टाइम भी बहुत हो गया है, तो मैं सो जाना चाहिए। मैं भी जा रहा तनु मन लो।